हेलो, वेलकम टू एडीए। और ये अनेक सिंह नाम से मेरा आर्ट एंड डिज़ाइन चैनल है। आज इस चैनल के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक छोटा सा मॉन्यूमेंट वॉल है जो मैंने पेंट किया अभी रिसेंटली। जैसे आप देख रहे हैं, अभी मैं पीछे मैंने एक ड्राइंग की हुई है ऑलरेडी, और मैं उसके ऊपर अब ब्लैक पेन से हल्का हल्का इसको जो है डार्क कर रहा हूँ। उन एरियाज़ को ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ जिन एरियाज़ में लाइट ऑलरेडी कम है, जहाँ पर शेड ज़्यादा है। और होगा क्या कि मुझे इससे अभी जैसे जैसे आप देखेंगे ड्राइंग क्लियर होती जाएगी, तो इसका मतलब है कि शेप्स जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं धीरे धीरे। और उसके बाद मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि मैं उसमें कलर्स जो हैं अच्छे से डिफाइन कर पाऊँ। वेयर एज अगर हम बिना लाइन ड्राइंग के या बिना डिफाइंड शेप्स के अगर हम शुरू करते हैं करना, तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी जब देखिए, जैसे ड्राइंग करते वक्त मैंने जो ध्यान रखा है कि जैसे पर्सपेक्टिव में जो दूर की जो चीज़ें हैं वो ठीक दिखाई दें हमें, और जो पास की चीज़ें हैं उसकी मैंने थोड़ी डिटेल बढ़ा दी है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मैं अभी पत्थर पेंट कर रहा हूँ, ये पत्थर जो है वो मैंने हल्के हल्के डिफाइन कर दिए हैं, और दूर का जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा, दूर की जो ड्राइंग थी उसको थोड़ा लाइट रखा है। यहाँ पर मैं इस पेड़ के ऊपर आप देखिए, है ना, पेड़ के टेक्सचर के हिसाब से जैसा कि उसका सरफेस होना चाहिए, उस सरफेस को मैंने हल्का हल्का डिफाइन कर दिया है। यहाँ देखिए हल्का क्रैक्स हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, जिससे बिल्डिंग का कैरेक्टर जो है वो अगर आपको समझ आता है तो उसको भी हम पेंट कर रहे हैं। अभी देखिए, इसको मैंने हल्का सा वाटर कलर वॉश देना शुरू कर दिया है, और जो पेंटिंग का जो कलर है, जो स्टोन का जो कलर है, पीछे बिल्डिंग का कलर जो है वो थोड़ा सा रेडिश और येलोइश कलर में, अगर मैं लेमेन की लैंग्वेज में बोलूँ तो इस तरह से है। उन कलर्स को मैं यूज़ करके, है ना, अभी आगे की जो शेडो वाला पोर्शन है उसको डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इस रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो बैक साइड से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है और फोरग्राउंड में वो लाइट बहुत कम है, तो उसकी वजह से जो आगे के जो कलर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा डार्कर हैं, क्योंकि वो शेडो के अंदर है। जहाँ जहाँ पर भी लाइट पड़ेगी वो कलर्स काफ़ी लाइट रहेंगे। शेडोज़ को देखो, डिफाइन करने के लिए मैंने जो हल्का सा न्यूट्रल कलर जो है वो एक तरह से बना लिया है। नॉर्मली जब आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को मिक्स करते हैं तो आपके पास न्यूट्रल कलर्स आते हैं। उसी तरीके से मैंने ब्लू और हल्का सा येलो और रेड को हल्का सा ग्रीन के साथ ब्लेंड होने दिया है, ताकि वो हल्का सा डार्कर टोन क्रिएट हो जाए। यहाँ पर देखिए, पत्थर के लिए ऊपर जो हल्का से अगेन जो रेडिश टोन था हल्का सा बीच में, उसमें ब्लूइश मच करके थोड़ा सा ब्लू में मैंने उसको अल्ट्रामरीन जैसे कलर्स को ब्लेंड करके मिक्स करके हल्का सा उसको डार्क कर लिया है। और देखिए, ये जो शेडो का जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। शेडो के लिए इंटरेस्टिंग ये है कि हमारा जो जो कलर है, जो बेस कलर है जहाँ पे हम शेडो क्रिएट कर रहे हैं, उससे करीब 30-40% जो है वो डार्कर होना चाहिए, तभी वो शेडो का फील उसके अंदर आता है। तो वैल्यूज़ का ध्यान रखते हुए मैं इसको पेंट कर रहा हूँ। पेंटिंग में जैसे जो लाइट एंड डार्क का वैल्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ग्रे स्केल में स्टडी करते हैं जो, हम उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी, मैंने इसको अभी डार्कर लीव्स बनाना शुरू कर दिया है। ये लीव्स जो है वो बेसिकली, ऑफ कोर्स वो तो पत्ते डार्क हैं उस साइड में, लेकिन क्योंकि वहाँ लाइट कम पहुँच रही है तो वो एरियाज थोड़े थोड़े डार्क भी हैं। और स्ट्रोक्स को मैंने थोड़ा सा इस तरह से यूज़ किया है ताकि वो फ्लुएंसी जो है वो मेनटेन रहे। लीव्स के साथ में जो कॉम्पोजिशन है उन लीव्स को यूज़ करके मैं एनहांस कर पाऊँ। जैसे अभी आप दूर में कॉर्नर में देख रहे हो, तो वहाँ पर इतना डिटेल पेंट नहीं किया है, वहाँ पे सिर्फ लाइट पेंट करके हल्का सा छोड़ दिया है उसको, ताकि वो जो दूर का जो इफेक्ट है, जो पर्सपेक्टिव का जो इफेक्ट है वो क्रिएटेड रहे। और जो बैक लाइट है, देखिए आप जहाँ जहाँ व्हाइट स्पेसेस मैंने छोड़े हुए थे उसमें से वो येलो लाइट के कारण जो है वो हल्का सा ऐसा एनहांस हो रहा है कि वो पीछे से लाइट जो है वो आगे की तरफ फॉल कर रही है। देखिए ओवरऑल पेंटिंग, आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आई है और मेरा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं इसमें बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल के ऊपर, आप उनको भी देखें।
और कोशिश करूंगा कि और बेहतर वीडियोस पर डिफाइन कर आपको दे पाऊँ। अगर आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियोस देखने हैं जिससे कि आपका क्रिएटिविटी जो है वो एनहांस हो चुके, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।